वो सर मैं तो ओ मॉम ने कहा था ना भी आपको मैं मैसेज दे दूं, आज रात को ना आपकी वो टिमनल टोला में ना रात को नाइट ड्यूटी है। जो जगह तुमने बोली हमारे समझ में नहीं आई, लेकिन चले जाएंगे भी, तुम जहाँ बोलो हम चले जाएंगे। सुनो ना, तुम हसीनाओं के देवता हो ना? या आई एम इज द मतलब नम कैसनोवा टाइप, नम कूल डूड। या आई एम इज द मतलब जो लड़की चाहिए तुम उस लड़की को पटा सकते हो, और अगर अगर चाहो तो पटवा भी सकते हो। या आई एम इज द सुनो यार, हमें भी एक लड़की ना बहुत हमारा दोस्त है, उसे ये लड़की बहुत पसंद है, आई लव यू बोलना चाहता है, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा है। जरा बताओ ना कैसे बोले वो। सर हर काम की एक कीमत होती है। कीमत बोलो। अपना बटुआ खोलो। कितना दूं? जस्ट 500 रुपीज ओनली। अब अपना मुंह खोलो। सर आप अपने दोस्त से कहिए अगर आई लव यू बोलने का है मैटर इज द, तो उसे लिख के दे दे लव लेटर इज द। नहीं नहीं, लेटर देना मुश्किल है, नेक्स्ट ऑप्शन। तो सर उसको बोले काम करे उसकी छत पे या उसके घर पे, ऐसी जगह पे रख दे जहां पे वो लड़की आए, लव लेटर उठाए, उसे पढ़ ले इज द, उसकी मोहब्बत की गाड़ी आगे बढ़ ले इज द, कैरी ऑन। ये ठीक है ना? अब देखो कैसे हम जाकर well, मतलब हमारा दोस्त जाकर बे क्लोज दोस्त है तो एक ही है ना, हम क्लोज है वो, हम एक ही है। अब देखो हमारा दोस्त कैसे जाकर लव लेटर छोड़ता है वहां पर। चल निकल, well, निकल निकल निकल, गेट आउट। अबे, गुड मॉर्निंग, जाओ बाहर जाओ, हमारी गाड़ी साफ करके आओ, चलो। यस सर। आज मिस चौटाला को हम ये लेटर पहुंचा के रहेंगे। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? ओ बिल्लू। क्यों अबे? सर रूटीन में यही आता हूँ। अच्छा चलो रिकॉर्डर में जाओ और अपनी फाइल लेकर आओ, हम तुम्हारी डिग्री चेक करना चाहते हैं, हमें नहीं लगता है कि तुम इस नौकरी के लिए क्वालिफाइड हो। सर अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा है? उखाड़ना है हमें, इसी वक्त आना था बे, हैं? चलो जाओ, इसी वक्त जाओ। ओके सर। ढूंढ के लाना, टाइम लेना अपना। ऐसे भी मिस चौटाला के टेबल पे ही जाना था। हेलो, हु इज इनसाइड? अबे गधे, ये फोन नहीं, दूसरे टेबल वाला फोन है। ओह थैंक्स ब्रदर, थैंक्स थैंक्स। हेलो, ये रही सर, ये रही मेरी फाइल। कौन सी फाइल बे? सर मेरा अधिक मेरा हैं? आपने ही तो बोला मेरे। अरे हमें कोई फाइल वाइल में इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे, चलो हट, हमारा काम हो गया। जिंदगी भर की कमाई है मेरे, ये सब देख। पूरन पोली भी बना लेती हो? हाँ मैडम, मुझे सारी महाराष्ट्र डिशेस बनाने आती है, आता हूँ अजी सटकली। माजी भी सटक ले हुए कभी कभी, नॉट एवरी डे, इनसे पूछो एक्सपीरियंस्ड है।
लाओ कभी डब्बा बना के। हो मैडम। ये प्लीज कम। क्या अलमारी है यो? हैं? क्या अलमारी क्या है? क्या है क्या? टेबल है क्या है यो? मैडम जी करते हुए आए हैं, जरूर कोई कांड हो गया है। मैडम जी पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है, एक तो ये प्रोड्यूसर चीमड़ है। अरे यार डायरेक्टर शिव कुमार, लेकिन यार क्या बोल रहे हो यार। मैडम जी हमारा मतलब चीमड़ प्रोड्यूसर जी जो है वो बदकिस्मती के सिकंदर है, ऊपर से हमारे एक एक एक्टर गायब होते जा रहे हैं, जबकि आसमान झुक नहीं सकता, टेलीकास्ट रुक नहीं सकता। अरे तो इब कौन गायब हो गया? अरे मैडम जी सासू माँ गायब हो चुकी हैं। क्या वो बटली वो जो सास का रोल करती कंचन ना, वो गायब हो गई? अरे मैडम जी रात को जंगल की तरफ जाते हुए तो देखा गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं चला, पापा के आशीर्वाद से। के बात कर रहे हो यार, उस पे तो शक था हमें, मतलब जिसे समझा हमने शिकारी वो खुद शिकार हो गया। अरे मैडम जी अगर सांस नहीं मिलेगी ना तो हमारी टेलीकास्ट की सांस निकल जाएगी। ठीक है आप लोग चलिए और समझिए कि इस कांड का कलाकार हमारी आंखों के सामने है। वेल आपको क्यों आ रहा है पसीना इस दा? गोपी वहां मिलेगा जहां होगी कोई हसीना इज्जत। अरे नहीं नहीं दादाजी, अरे हम क्यों घबराएंगे भाई, हम तो मैडम जी इतना चाहते हैं कि जो कोई हो वो जल्दी से पकड़ा जाए, समझ गए ना। और मैडम जी हमें तो पसीना इसलिए आ रहा है कि ये सासू का रोल करेगा कौन। हाँ मैडम अगर सांस नहीं मिली ना तो टेलीकास्ट की सांस निकल जाएगी। यार एक एक करके लोग गायब हो रहे हैं, क्राइम मतलब पुलिस का काम बढ़ रहा है, तुम्हें टेलीकास्ट की बड़ी है। और रही बात सास की, सास चाहिए ना तो ये बनेगा सास। ये गोपी ये कई केस सॉल्व करने के लिए आंटी का रोल कर चुका है और ये आदमी ज्यादा आंटी कन्विंसिंग लगा है यो। ये आदमी है ही नहीं, इसके अंदर एक औरत है, ये तो गलती जल्दबाजी में भगवान ने जो है ना गलत मोल्ड में डाल दिया है, ये औरत ही ये सास है ना गोपी। देखो ये ऐसा है। यस डन, कास्टिंग हो गई फाइनल। अरे वाह तो ठीक है मैडम, जब तक हम सास की कास्टिंग नहीं करते तब तक हम इनसे काम चलाते हैं। क्यों चिमड़ा चलेगा है? सर हाँ हाँ ये भी चलेगी। चलेगी तो चलिए फिर जाके अपना शेड्यूल बनाइए, कपड़े वपड़े टंगवाइए मेकअप रूमों में। चलो मैडम जी नमस्ते। जी आशीर्वाद। थैंक यू मैडम। चिलमन चमेली नाम है हमारा और दूर दूर से लोग हमारी महफिल में गाना सुनने आते हैं, लेकिन चिलमन चमेली जब तक पान की गिलौरी ना चाप ले गाने में क्या मजा। निकाल पान निकाल, पेपर निकाल इसी वक्त पेपर निकाल। कुछ हुआ था क्या? अबे पेपर निकाल बे, हुआ था तू वो पेपर निकल गया, पेपर निकाल। तो मुझे तभी दर्द हो रहा है, अंदर अटक गया कुछ मेरे। यस कहाँ है पेपर? मुंह खोल कहाँ है पेपर? सर कुछ काम का था क्या पेपर? नहीं नहीं ऐसे ही कुछ था पेपर, इम्पोर्टेंट नहीं था। तो फिर कुछ नहीं, कोई बात नहीं, फिर के कोई नहीं। चल बेटा तेरा पेपर निकालते हैं, आ जा आ जा। ओके गुड बॉय गुड बॉय। उस रात वो सास का रोल करने वाली कंचन कैमरामैन से मिलने गई थी, कल भी उसी से मिलने गई होगी, हो सकता है कैमरामैन को कुछ पता हो। गोपी सानिया और गोलू कहाँ हैं? वो पीछे हैं आ रहे हैं।
लगा दिया ना उनको सर्च पे? हाँ हाँ लगा दिया, ढूंढ रहे हैं सब। अबे ढूंढ रहे, तुम लोग भी ढूंढ लो जरा कोई सुराग मिले। मुझे लग रहा है भैया कि ना उसे शेर ले गया। मैडम जी मैंने जो है कंचन शर्मा को आखिरी बार यही देखा था पापा के आशीर्वाद से। ढल जाएगा मैं तेरे जान से मार दूंगी बिल्लू, मैं बताए दे रही हूँ। कुछ हुआ था क्या? हुआ था, कवाली गाने का टाइम है ये। अरे ढूंढो ना यार कुछ। मैडम मैं तो कह रहा हूँ उसे शेर ले गया। अरे वाह माला, पुलिस की वर्दी में बहुत अच्छी लग रही हो। पुलिस की वर्दी में अच्छी लग रही हो? नहीं, मैं हूँ पुलिस वाली, इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला, और मैं हर चीज में अच्छी लगती हूँ, समझे कि नहीं? और यो एक राज है, ये अपने तक रखना, किसी को बताना नहीं है। अफलातून कमिंग सून। अरे कमिंग सून, तू यहाँ कोने में क्या कमिंग कर रहा है यो बता पहले। मैं वो मैं कंचन शर्मा जी की वेट कर रहा था। क्या है, हम लोग आज रात को मिलने वाले थे लेकिन वो आई नहीं, तो मैं उसकी वेट करते करते सो गया। लेकिन वो तुमसे रात को मिलने क्यों आती थी? अब सच सच बता दो कि क्या पुलाव पक रहा था तुम दोनों के बीच में? अरे कोई पुलाव नहीं पका रहे थे, दरअसल बात ये कि हम दोनों एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे जो दोनों मिलकर प्रोड्यूस करने वाले थे, यानी कि बनाने वाले थे, जिसमें हीरो एक कुत्ता है और हीरोइन बिल्ली है, इसलिए तो सारे डायलॉग हम लोग इसी तरह बोलते थे ना, भाव भाव। मियाओ मियाओ। थारी जानकारी के लिए बता दूं, कल रात से थारी कंचन शर्मा गायब से। अच्छा क्या? या उसी की तलाश में हम आए हैं यहाँ इज्दा, ताकि पता चल सके वो है कहाँ इज्दा। मैडम मैं गोलू, मैं कुछ बोलू? बोल। मैडम एक गन पड़ी थी झाड़ियों में, मुझे मिल गई। गुड। यो गन ना है, यो एक लाइटर्स है। प्रोड्यूसर साहब। जी मैडम। तुम्हारे हीरो का लाइटर जो हमेशा उसके पास रहे हुए। प्रोड्यूसर साहब अब एक काम करो, एक नया सीन लिखवाओ अपने एपिसोड में, ताकि हीरो अपना लाइटर निकाल सके। What is the matter? Is the on करो generator is the भैया आज ना मैं वो करूँगा जो मैंने बहुत दिनों से नहीं किया और जो मैं हमेशा करता था, आपकी चंपी। Well bro मुझे चंपी नहीं है, करवानी is the, तू याद दिला देता है मेरी नानी is the। नहीं भैया कुछ नहीं होगा, बहुत दिन हो गए ना, मैंने बहुत दिनों से प्रैक्टिस करके एक नई चंपी सीखी है, तबला छाप चंपी, बहुत बढ़िया भैया। मैंने कह दिया ना नहीं करवानी तो नहीं करवानी है। भैया करवा लो ना, देखो कितने सारी चिट्ठियां आई हुई है कि मैं आपकी चंपी क्यों नहीं कर रहा हूँ। ये कहाँ से हैं चिट्ठियाँ? पूरे देश से आई है, ये नाभा से भी आई है। नहीं करवानी है चंपी मुझे। करवा लो ना भैया। नहीं करवानी। गोपी जी इतना प्यार से बोल रहे, करवा लीजिए चंपी। गोपी जी प्लीज करवा लीजिए ना। करवा लो ना भैया। बोल दिया नहीं करवानी ना, नहीं मैं भाग टाक टिकड़ टाक तो पाप। करवा लो भैया, करवा लो। मुझे पता है भैया कि आपने चंपी करवाने से क्यों मना कर दिया, क्योंकि मैं आपका अपना सगा भाई नहीं हूं ना, इसलिए। अगर यहीं पे मेरी जगह आपका कोई अपना सगा भाई खड़ा होता ना, कोई टोपी कोई, तो आप उसे ऐसे मना नहीं करते चंपी करवाने से, बल्कि आप कूद कूद के उससे अपनी चंपी करवा लेते, लेकिन आपने मुझे मना कर दिया। रो मत यार, तू रोता है ना मैं इंटरनेशनल हो जाता हूँ, इमोशनल।
या दिस वन रोना फिर रोना आजा कर ले चंपी कर ले आजा आजा पर तूने तेल तो फेंक दिया अब चंपी कैसे करेगा है वाओ व्हाट अ रबिश हे कैरी ऑन देखिए भैया ये जो चंपी है ना इसमें आपको कुछ पता नहीं चलेगा ये बहुत स्मूथ चंपी है सर का जमा दिया दही इसका मैं तुझे छोड़ूंगा यार तू रुक जा अभी भैया अभी तो डंडा भी नहीं रुक भैया अटनी जी रेडी हैं अरे हाँ भाई रेडी है चलो एक्शन सासू माँ मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूँ लेकिन लेकिन मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी ऐसे कैसे नहीं जाएगी अब मैं अपनी लड़की की शादी वहां करूंगी जहां मैं करना चाहती थी अब इस चौधरी निवास में वो लड़की बहू बन के आएगी जिसे मैं लाना चाहती थी ला 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 क्या हुआ मम्मी फिर कोई बात हुई ना मैं पहले से ही कह रही हूँ आपको डॉली सही लड़की रहेगी भैया के लिए ये यूं ही ले आए हैं बेकार सी आशा हाँ मुझसे ही गलती हो गई जो मैंने इस जैसी लड़की के साथ प्यार किया और इसने मुझे धोखा दिया बकवास सीरियल है मैंने किसी को धोखा नहीं दिया मैंने कोई झूठ नहीं बोला आज ही अग्नि मेरी सच्चाई साबित करेगी इस दिए की जलती हुई लौ मेरी सच्चाई का सबूत है रंग रंग बजरंग रंग बजरंग रंग बजरंगा रंग रंग बजरंग रंग बजरंग रंग बजरंगा रंग रंग बजरंग रंग बजरंग रंग कट अरे क्या हो रहा है यार इतना अच्छा शॉट चल रहा था अरे यार पंखा किसने चला दिया ये बताइए मेरा डायलॉग कैसा था हियरिंग अरे मेकअप मैन अरे जल्दी से दिया जलाओ यार हेयर ड्रेसर मैन जल्दी आओ अरे कहां मर गए सेटिंग वाले अरे मुंह मत ताको जल्दी से जलाओ आगे दिया बकवास सीरियल है ये क्या बोल रहे हो तुम यार आप जला लो ना दिया अपने लाइटर से ये तो पता नहीं कहाँ रख के भूल गए माचिस सेटिंग वाले ए सेटिंग मिला अरे माचिस रख के कहाँ भूल गए सेटिंग अरे बेटा तू गोनी छोड़ माचिस ले गया आपका तो बड़ा स्मार्ट सा लाइटर है जला दो तपाक से टाइम वेस्ट हो रहा है ना गर्मी भी कितनी हो रही है